everyone, my name is Janshir and welcome to my YouTube channel Revit 3D Models. Today I'll show you how to create a sunshade in Revit architecture. Now just go into the video and let's get started. So guys, आज हम सीखेंगे कि किस तरह हम Revit के सॉफ्टवेयर में sunshade, window shade and rain shade क्रिएट कर सकते हैं. So guys, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इस टॉपिक में हम डिजाइनिंग का पार्ट कवर करेंगे. सो गाइस, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें. सो चलते हैं सॉफ्टवेयर की जानिब और सीखते हैं कि किस तरह हम सनशेड क्रिएट कर सकते हैं. सॉफ्टवेयर को ओपन करने के बाद आपने उस प्रोजेक्ट को ओपन करना है जिस पे आप सनशेड क्रिएट करना चाहते हैं. बेसिकली सनशेड हम विंडो एंड डोर के टॉप पर बनाते हैं. सो मैं इस विंडो के ऊपर अपना सनशेड क्रिएट करना चाहता हूँ. सिंपली मैंने सबसे पहले अपना राइट व्यू एक्टिव करना होगा. सिंपली हम व्यू बॉक्स पे अपना कर्सर लाएंगे और राइट पे डबल क्लिक कर देंगे. डबल क्लिक करने के बाद आपके पास ये राइट व्यू ओपन हो जाएगा. ओके, राइट व्यू ओपन हो जाने के बाद हमारे पास ये फ्रंट में स्टेयर्स आ रही है. स्टेयर फ्रंट में आ रही है तो हम बेसिकली अपने स्केच प्रॉपर नहीं बना पाएंगे. सिंपली हमने स्टेयर पे क्लिक करना है. क्लिक करने के बाद ये बॉटम में टेम्पररी हाइट आइसोलेट का ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, इस पर क्लिक करना है एंड अगेन हाइट एलिमेंट कर देना है. इससे ये होगा कि हमारी जो स्टेयर है हमारे पास हाइट हो जाएगी. अगेन इस रेलिंग को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल प्रेस करके अगेन इसको सिलेक्ट करना है एंड अगेन टेम्पररी हाइट एलिमेंट एंड हाइट एलिमेंट कर देना है. ये काम करने के बाद आपने अगेन राइट पे क्लिक करना है तो आपके पास ये स्केच प्रॉपर आपको नजर आ रहा है. सिंपली अभी स्केच इस तरह नजर आने के बाद हमने अपना सनशेड क्रिएट करना है. सनशेड क्रिएट करने के लिए हम सिंपली कंपोनेंट के ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे. ड्रॉप डाउन पर क्लिक करने के बाद आपके पास दो टाइप्स हैं, प्लेस अ कंपोनेंट एंड सेकंड वन इज मॉडल इन प्लेस. प्लेस अ कंपोनेंट में हम अपने प्रोजेक्ट में विंडो डोर प्लेस करते हैं और प्रोजेक्ट में यूज होने वाले इंटीरियर कंपोनेंट अपने प्रोजेक्ट में प्लेस करते हैं. सिंपली अगेन अगर हमने कोई एक्सटीरियर डिजाइनिंग करनी होगी तो हम मॉडल इन प्लेस का ही यूज करते हैं. सिंपली हमने मॉडल इन प्लेस पे क्लिक करना है. मॉडल इन प्लेस पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, फैमिली कैटेगरी एंड पैरामीटर्स. इसमें आप जो भी डिजाइन क्रिएट करना चाहते हैं, सीलिंग, कॉलम, डोर, खुद का जो अपना पर्सनली डोर क्रिएट करना चाहते हैं, फ्लोर, फर्नीचर, जो भी आप डिजाइन क्रिएट करना चाहते हैं, आप यहां से सिंपली क्लिक करके ओके करेंगे तो आपके पास ये कमांड एक्टिव हो जाएगी. सो आज हमने विंडो शेड क्रिएट करना है तो इसमें हम पहले विंडो शेड को सर्च आउट करेंगे. विंडो शेड को सर्च आउट करने पर आपका वक्त ज्यादा लगेगा. सिंपली हमने केस वर्क पे क्लिक करना है. केस वर्क पे क्लिक करने के बाद ओके करेंगे और ओके करने के बाद आपके पास केस वर्क 1 लिखा हुआ आएगा. इसको हम रीनेम करके विंडो शेड कर देंगे. विंडो शेड का नेम दे देंगे एंड अगेन ओके कर देंगे. विंडो शेड का नेम देने के बाद आपके पास ये लोड हो जाएगी. लोड हो जाने के बाद आप स्केच मोड पे आ जाएंगे. स्केच मोड पे आने के बाद एक्सट्रूजन, ब्लेंड, रिवॉल्व, स्वीप, स्वीप ब्लेंड एंड वॉइड फॉर्म्स. वॉइड फॉर्म्स के ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके वॉइड एक्सट्रूजन, वॉइड ब्लेंड, वॉइड रिवॉल्व, वॉइड स्वीप एंड वॉइड स्वीप ब्लेंड. ये तमाम टूल्स हैं जिस पे आप एक्सटीरियर वर्क कर सकते हैं. रिविट के अंदर जो भी फ्रंट एलिवेशन में जो भी मॉडलिंग की होती है सिंपली इन टूल्स के साथ ही की जाती है. सिंपली आपने एक्सट्रूजन पे क्लिक करना है. एक्सट्रूजन पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये स्मॉल आइकन ओपन होगा. स्मॉल आइकन ओपन होने के बाद आपके पास ये मल्टीपल टाइप्स आ जाएंगे किस टाइप का आप सनशेड क्रिएट करना चाहते हैं. आप लाइन से भी कर सकते हैं, रेक्टेंगल से, सर्कल से, जिस तरह का भी सनशेड आप क्रिएट करना चाहते हैं. सनशेड क्रिएट करने से पहले आपने प्लेन सेलेक्ट करना होता है. प्लेन सेलेक्ट किस तरह किया जाता है, आपने सिंपली सेट पर क्लिक करना है. सेट पर क्लिक करने के बाद आपके पास ये वर्क प्लेन का ऑप्शन आएगा. इसमें से आपने सिंपली पिकअप प्लेन पर क्लिक करना है एंड ओके. पिकअप प्लेन का मतलब ये होता है कि आप किस प्लेन पे और किस वॉल पे अपनी डिजाइनिंग करना चाहते हैं. सिंपली मैं इस वॉल पे करना चाहता हूँ
जो भी मैं अपना कर्सर इस वॉल पे लाऊंगा तो इस वॉल का जो एज है ये ब्लू कलर से हाईलाइटेड हो जाएगा। सिंपली इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अभी आपने चेक करना है कि आपने प्लेन सही सिलेक्ट किया है कि नहीं। सिंपली आपने शो पे क्लिक करना है। जो ही आप शो पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये इस कलर से आपका प्लेन सिलेक्ट होता हुआ आपको नजर आ जाएगा। अगेन राइट व्यू एंड अगेन शो को ऑफ कर दें। शो को ऑफ करने के बाद अभी आपने सिंपली सनशेड क्रिएट करना है। सनशेड क्रिएट करने के लिए आपने सिंपली लाइन पे क्लिक करना है। लाइन पे क्लिक करने के बाद इसको जूम कर लें और सिंपली इस फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड इसकी थिकनेस हम दे देते हैं फॉर एग्जांपल 4 inches, इंटर एंड अगेन इसको यहाँ ला के ज्वाइन कर देंगे। एक चीज़ का ख्याल रखने की जब तक आपका ये स्केच ज्वाइन नहीं होगा आपका ये सनशेड क्रिएट नहीं होगा। सिंपली स्केच को आपने ज्वाइन करा दिया। सिंपली अगेन राइट व्यू, अगेन जो ये आप फिनिश एडिट मोड पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये सनशेड क्रिएट हो गया है। सनशेड क्रिएट हो चुका है। सिंपली आपने सनशेड पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा एक्सट्रूजन एंड एंड एक्सट्रूजन स्टार्ट। एक्सट्रूजन स्टार्ट हम 0 feet 0 inch रखते हैं और एक्सट्रूजन एंड का 1 feet का मतलब ये है कि 1 feet 1 feet आपका ये शेड वॉल से एक्सट्रूडेड है। सिंपली अभी अगर हम इसको बढ़ाना चाहते हैं 1 feet की बजाय हम फॉर एग्जाम्पल इसको 2.5 feet करना चाहते हैं तो जो ही आप 2.5 लिखेंगे तो आपके पास ये शेड क्रिएट हो जाएगा। सिंपली 2.5 ज़्यादा 2 feet करेंगे तो इस तरह से आपका ये सनशेड क्रिएट हो जाएगा। अगेन सिंपली आपको एक और सनशेड क्रिएट करके दिखाता हूँ। अगेन आपको इसको आप इसे फिनिश कर देंगे। फिनिश मॉडल करने के बाद आपने अगेन आर्किटेक्चर कंपोनेंट मॉडल इन प्लेस केस वर्क ओके विंडो शेड 01 ओके नेम आपको आपने इसको प्रोवाइड कर देना है। अगेन एक्सट्रूजन के बाद सेट पिक अप लेन। अगेन अभी मैं इस विंडो पे शेड क्रिएट करना चाहता हूँ। अगेन सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास ये प्लेन सेलेक्ट हो चुका है। सिंपली अगेन अभी यहाँ इस विंडो पे हम ए टाइप शेड क्रिएट करना चाहते हैं। ए टाइप शेड क्रिएट करने के लिए आपने सिंपली लाइन कमांड लेनी है। कमांड लेने के बाद जो ही आप इसके मिड पे आएंगे आपके पास ये रेक्टेंगल शो होगी और मिड पॉइंट लिखा हुआ आपके पास शो होगा। सिंपली आप फॉर एग्जांपल इसको 1.2 feet ऊपर की जानब ले जाएं। अगेन इस पॉइंट को यहाँ पे ज्वाइन कर दें एंड अगेन इस पॉइंट को यहाँ पे ज्वाइन कर दें। अगेन इस वॉल को आप डिलीट कर दीजिए। अगेन इसको आप जो ही ऑफसेट करेंगे तो आपका ये शेड अब ये क्रिएट हो जाएगा। अब जब तक आप स्केच क्लोज नहीं बनाएंगे तो आपको ये शेड क्रिएट नहीं होगा। सिंपली जो ही आप फिनिश करेंगे तो ये आपके पास ऑप्शन आएगा कि लाइन मस्ट बी इन अ क्लोज लूप। इसका मतलब ये है कि जब तक आप स्केच प्रॉपर नहीं बनाएंगे तो ये आपके पास सनशेड क्रिएट नहीं करेगा। प्रॉपर बनाने के लिए हमने इसको ऑफसेट क्लिक करना है। ऑफसेट पर क्लिक करने के बाद अगेन थिकनेस इसकी 4 inches, इंटर 4 inches दिस पॉइंट। अगेन लाइन लेके इसको आपने इस तरह ज्वाइन कर देना है एंड अगेन इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ ज्वाइन कर देना है। जो ही आप क्लिक करके फिनिश करेंगे तो आपके पास ये इस टाइप का सनशेड क्रिएट हो जाएगा। उसी तरह आपने इस पर क्लिक करके एक्सट्रूजन स्टार्ट विल बी 2 feet, इंटर। जो ही आप 2 feet इंटर करेंगे तो आपके पास ये जो आपका स्केच है ये वॉल से 2 feet एक्सट्रूडेड होके बाहर आ जाएगा। सिंपली अगेन आपने फिनिश कर देना है। फिनिश करने के बाद आपका ये स्केच प्रॉपरली बन चुका है। सिंपली आपने विजुअल स्टाइल पे आ जाना है। इस पे आने के बाद आपने रियलिस्टिक लगाना है तो आपके पास कुछ इस तरह से आपका ये सनशेड शो होगा। सो इस तरह आप रिविट के सॉफ्टवेयर में मल्टीपल टाइप की शेड क्रिएट कर सकते हैं। सो गाइज आज तक के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो पे एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।